और यहाँ पर आते ही सबसे पहले ये हमें PS5 का एक कियोस्क मिल गया, तो बच्चे तो उधर टाइम पास कर लेंगे अपना, और फिर हम उधर स्मोकिंग लाउंज में जाते हैं। एरोप्लेन में सफ़र करना किसको नहीं अच्छा लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और चाहे एरोप्लेन में एक घंटे की फ्लाइट हो चाहे एक घंटे की मेरा टाइम पर बुकिंग कर जाता हूँ। अभी तक कैथे पैसिफिक और एमिरेट्स ये तो मेरी फेवरेट एयरलाइंस होती थी, लेकिन अभी डेल्टा में पहली बार सफ़र किया मैंने, तो डेल्टा की सर्विसेज इतनी बढ़िया लगी मुझे, उसमें इकोनॉमी क्लास में भी बिजनेस क्लास का मज़ा आया था मुझे। खाने पीने के लिए सब प्रीमियम क्वालिटी की चीज़ें थी, और ये फ्लाइट थी पेरिस टू सॉल्ट लेक सिटी यूटा। तो अभी ये देखो पूरा इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर ये मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर भी है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। तो लंबी फ्लाइट में जब मेरा ये थोड़ा टाइम हो गया, तो जब 8वें पैक का जब नंबर आया, तो पायलट का कैप्टन खुद निकल कर आ गया। उसने मुझे कहा कि एक पैक तो मैं तुम्हें बना कर देता हूँ ऑन दी रॉक, और दूसरा तुम्हें नीट चाहिए तो मैं देता हूँ ताकि तुम बार बार ना हो। लेकिन तुम तो भैया ठहरे नशेड़ी आएंगे बार बार, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। देखो देखिए, मेरे यहाँ हल्का सा यहाँ पर वाउंड हो गया था, ये चोट लगी थी। मैंने सोचा एयरलाइंस की सर्विसेज देखते हैं, यहाँ पर बैंडेड वगैरह कुछ मिलती है। तो उसने दो चीज़ तो सही दी हैं, जैसे ये उसने एंटी बैक्टीरियल वाइप है, ये सही है, ठीक है ना। और फिर उसके साथ उसने ये बैंडेड दी है, ये बैंडेड भी सही है, गिर गई, ये बैंडेड भी सही है, ठीक है। लेकिन ये हैरानी की चीज़ देखने की, ये इसने दिया है ये इलेक्ट्रॉनिक पेरिफेरल्स क्लीन करने का एंटी बैक्टीरियल वाइप। जो ना देखिए, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात ये लगी इसमें है ना, कोई भी नट्स नहीं है, मतलब चखने के लिए यही सब है, ये सैंडविच वगैरह, और ये क्या है नेबल्स, चैटर नेबल, ये क्रैकर्स, ये स्मॉल से मफिन वगैरह, लेकिन इसका मज़ा नहीं आता है। ये चीज़ बिस्किट्स वगैरह पानी चखने में, मैंने जब भी देखा यूरोप से US के लिए जो भी फ्लाइट जाती है उसमें ये लोग नट्स यूज़ नहीं करते हैं अपने, पीनट, आलमंड, वॉलनट, पीकन्स वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ दारू पीने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। एक इंसान एक बार में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 10-12 पैक पी लेता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं पी पाएगा, तो इसलिए थोड़ा जो ना ये डिसअपॉइंटिंग है। देखिए वैसे जब मैं छोटा था, तो जब भी मैं अपने पेरेंट्स के साथ मैं इंटरनेशनल ट्रैवल करता था, मैं हमेशा विंडो सीट लेता था, क्योंकि उस समय मुझे टीवी वगैरह में कुछ इंटरेस्ट होता नहीं था, और उस समय इतना था भी नहीं कार्टून मूवीज़ और सॉन्ग्स वगैरह, तो उस समय विंडो सीट में देखना नेचर का एंजॉय करता था। तो वही भी देखो, आज मैंने सोचा चलो विंडो सीट लेते हैं, और ये एरोप्लेन पूरा ही ऑलमोस्ट खाली सा ही है, ये इसकी ऑक्यूपेंसी रेट खाली 20% नियर अबाउट 20%, तो मुझे जो भी सीट मिली मैं बैठ गया। तो यहाँ पर ये देखो विंडो सीट में क्या बढ़िया नज़ारा आ रहा है, देखो नीचे डेंस क्लाउड्स हैं, और ये बढ़िया सी पता नहीं ये कोई कुकी मिली है, ये लोटस, ये कुछ है पेरिस की बिस्कॉफ करके। देखो मैं जो है ना कभी भी चीज़ों को कंपैरिजन नहीं करता हूँ, मैं सही नहीं समझता कंपैरिजन करना, लेकिन ये वाकई में इतनी टेस्टी है कि इसको खा के अपने जो अपना जो बेस्ट ब्रांड है ना इंडिया, पार्ले जी शर्म आती है, पार्ले जी क्या है वो ब्रिटेनिया कूड़ा कबाड़ा, मैं पहली बार खा रहा हूँ, मतलब पहली बार ही मेरे टेस्ट बट जो है ना ऐसे खिल गए कि बता नहीं सकता। चलो खैर हम बादल देखते हैं कौन सा बादल कहाँ पहुँच गया, अरे वो बादल वहीं पर रहे। जब तक मैं बाहर के विचार ले रहा था इतनी देर में ये एयर स्टूवर्ड ये दोबारा आ गई, उसने ये सब मुझे दे दिया। अब मैं देखता हूँ ये पानी तो चलो मैं पी रहा था, ये इसमें दोबारा सैंडविच है, टर्की सैंडविच है शायद, ये टर्की सैंडविच लग रहा है, चिकन तो नहीं है ऑब्वियसली, दिस इज़ नॉट चिकन, ठीक है ना। तो फिर बस नहीं ये कुकीज़ तो बनाए, देखते हैं खाता हूँ।
और सबसे लास्ट में जो फूड मिला वो ये था, एक तो कोई स्प्रिंग रोल है और एक ये पैशन फ्रूट मूज है, मूज है बोल लो, माउस बोल लो, मूच बोल लो, या योगर्ट या कस्टर्ड कुछ भी बोल लो, अपने लिए तो ये मीठा दही होता है। मैं तो इतना बढ़िया लगा, मैं तो पूरा ही खा गया, अपने लिए तो मीठा दही है भैया, सीधी सी बात है। और ये दुनिया की फेवरेट ड्रिंक हो, तो ये हमारा गुड बाय स्नैक्स। फिर इसके बाद अब हम पहुँचने वाले हैं डेस्टिनेशन पर, और बच्चों की भी अशपूरी।